जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज विजयपुर में बन रहे एम्स का दौरा किया। इस दौरान जिला सांभा के डीसी रोहित खजूरिया ने एम्स अस्पताल निर्माण संबंधी जानकारी दी। वहीं उपराज्यपाल ने सभी विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि एम्स का निर्माण तय समय पर पूरा होना चाहिए। जम्मू के जिला रामबन के उकराल में पंचों और सरपंचों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है, हमने जो लिस्ट भेजी उसका वो मकान नहीं दे रहे। वहीं उन्होंने कहा कि बहुत से पंचायतों को अभी तक पंचायत घर तक नहीं मिले। उन्होंने प्रशासन से जिला परिषद और 22 ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन के चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग की। कश्मीर घाटी के प्रेस एनक्लेव में अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन यूनियन द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 4 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है, बार बार विभाग को गुजारिश करने के बाद भी समस्या वहीं की वहीं है, मुलाजिम पाई पाई को तरस गए हैं। उन्होंने LG मनोज सिन्हा से इस मसले पर हस्तक्षेप करने की मांग रखी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन को पत्र लिखकर ये अवगत कराया है कि वो अपना सरकारी आवास अक्टूबर महीने के अंत तक खाली कर देंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पत्र पोस्ट करते हुए कहा कि वो ये कदम अपनी मर्जी से उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मीडिया में जो खबरें हैं वो गलत थी, मुझे घर छोड़ने के लिए कोई नोटिस नहीं मिला है। जम्मू में वार्ड नंबर 7 कांजी हाउस में लोगों द्वारा बड़े दिनों से एक पार्क के निर्माण की मांग रखी जा रही थी। इसी को देखते हुए पार्षद ऋतु चौधरी ने 5 लाख रुपए की लागत से इस पार्क को बनाने के काम का शुभारंभ किया। जम्मू में आज पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू की अनदेखी जितनी पिछले 4 से 5 सालों में हुई वो कभी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब BJP और PDP की सरकार थी तब भी पूरा फोकस कश्मीर संभाग में था, आज भी जम्मू को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है, यहाँ तक कि मंदिर की जमीनों को भी कब्जे में लिया जा रहा है। जिला डोडा में आज मनरेगा के कर्मचारियों द्वारा ADC डोडा के दफ्तर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमने अपना गोल्डन पीरियड मनरेगा के कार्यों में लगा दिया, रात दिन काम करते हुए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्कीमों को पिछले 14 साल से अमली जामा पहनाया, वहीं अब इन कर्मचारियों ने पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की है। इनकी मांग है कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए और विभिन्न डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब कर दिया जाए। कश्मीर घाटी में सेब के बागवानों को भारी नुकसान हुआ है। सेब के उत्पादन में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं किसानों ने कहा कि महंगे कीटनाशकों की खरीद कर और हाईली स्किल्ड लेबरर्स को रोजगार देने के बावजूद और खराब मौसम ने सेब की पैदावार पर विपरीत असर डाला है। वहीं उन्होंने कहा कि 400 ट्रकों की डिमांड के विपरीत हम सिर्फ 150 ट्रक ही भेजने में समर्थ है। कश्मीर घाटी के जिला अंतनाग में कम्युनिटी रेडियो 90.8 का शुभारंभ किया गया। इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का मुख्य देश राब्ता दिल से दिल तक है। ये भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया पहला रेडियो स्टेशन है। इस मौके पर DC अंतनाग, SSP अंतनाग, कमांडर 1 सेक्टर विजय महादेवन उपस्थित थे। कश्मीर घाटी के शोपियां के लोगों ने मुगल रोड पर यातायात को शुरू करने को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने मांग की कि देश के बाकी राज्यों से जोड़ने वाली इस मुगल रोड को नहीं खोलने के पीछे की वजह नजर नहीं आ रही। साथ ही लोगों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द मुगल रोड को यातायात के लिए नहीं खोला गया तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। विजयपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देखरेख में बाड़िया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह डोगरी और कश्मीरी भाषा को सम्मान मिला, वैसे ही हमारी मातृभाषा पंजाबी को भी सम्मान मिलना चाहिए। पंजाबी बोली हर जगह बोली जाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जल्द से जल्द पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषा में शामिल करने की मांग रखी।
जम्मू में आज इंदिरा चौक इलाके में आनंदपुर आश्रम कुटिया के काम का विधिवत उद्घाटन वार्ड नंबर 15 के पार्षद संध्या गुप्ता द्वारा किया गया। इस मौके पर मेयर जम्मू चंद्रमोहन गुप्ता भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई से इनकार कर दिया। अब सितंबर को होंगी देश भर में नीट की परीक्षाएं। इन परीक्षाओं में कोविड 19 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज देश के पहले उपराष्ट्रपति के काफिले को निशाना बनाकर किए गए बम हमले में कम से कम 10 नागरिकों की मौत हो गई है और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति के कई बॉडीगार्ड भी शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आज एक वीडियो जारी कर दावा किया कि कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से अचानक लगाया गया लॉकडाउन देश के युवाओं के भविष्य, गरीबों और असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था।